वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मंडल स्तरीय खरीफ उत्पादकता गोष्ठी का आयोजन आयुक्त सभागार में किया गया। लखनऊ से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की अध्यक्षता अपर मुख्य सचिव कृषि देवेश चतुर्वेदी ने किया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में जिलाधिकारी के विजेंद्र पांडियन, उप कृषि निदेशक संजय सिंह, जिला कृषि अधिकारी अरविंद चौधरी सहित संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। उत्पादकता गोष्ठी में खरीफ की फसल के लिए किसानों को समय से खाद बीज उपलब्ध कराने, कृषि उपकरणों की व्यवस्था, किसान सम्मान निधि, किसानों की उत्पादकता बढ़ाने के साथ किसानों के फसलों की आमदनी दुगुनी करने सहित अन्य बिंदुओं पर चर्चा की गई, जिसके संबंध में जिलाधिकारी के विजेंद्र पांडियन ने बताया कि 6 मंडलों की खरीफ उत्पादकता गोष्ठी का आयोजन किया गया है। डीएम ने बताया कि जनपद में पिछले साल की तुलना में 4 गुना गेहूं की खरीदारी की जा चुकी है। उन्होंने बताया कि गोष्ठी में जनपद में बाढ़ की समस्या सहित अन्य समस्याओं को शासन से अवगत करा दिया गया है। उन्होंने कहा कि शासन का जो लक्ष्य है उसको पूरा किया जाएगा तथा किसानों को शासन के योजनाओं से लाभान्वित किया जाएगा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिलाधिकारी के विजेंद्र पांडियन ने कहा, और उसके सहयोग से जो मैंने लंच मिला उसके सहयोग से सारे कृषि विभाग के ही प्रयास से बिना अनुदान का मैंने 12 एकड़ का मैं किसान हूँ, 12 एकड़ खेत में कृषि करा दिया। वो दो लोगों से जिसको काफ़ी नुकसान हो रहा है, उसको सरकार ने तो बहुत प्रयास किया लेकिन इस पर कंट्रोल नहीं हो रहा है, तो हमारा भी निवेदन है कि हर प्रांत में कम तब जाकर के किसानों की यार आप दोगुना नहीं, आप सिर्फ साधना कर रहे हैं। हमने अपने कुछ साथियों को मैंने प्रेरित करके लगभग 35 एकड़ से काफ़ी संतुष्ट है। किसानों के मीटिंग में मांग हुई थी पिछले साल 500 प्रति ब्लॉक के हिसाब से मिला, अब उसको यदि 1500 प्रति ब्लॉक के अनुसार मिल जाएगा तो पराली जलाने की जो घटना है उस पर काफ़ी कंट्रोल हो जाएगा। सर ये दो और डिमांड आया था जो खरीफ में जो जल यहाँ फ्लड प्रोन एरिया बहुत है सर, जो बड़ी गंडक से काफ़ी एरिया जल भरा उसमें आ जाता है, तो जल भराव से जो नुकसान होती है उसमें उसको फसल बीमा में जोड़ने के लिए अनुरोध आया था, यदि इस पर विचार हो जाए तो किसानों को फायदा मिलेगा। अभी वो मेरे आंकलन करने जाते हैं तो इंडिविजुअल क्लेम में तो कवर्ड है बट वो पूरे गांव का प्रोटेक्शन लेते हैं, यदि उसको पूरे गांव का मंडल की रणनीति बताएं। आज 5-6 मंडल का खरीफ गोष्ठी का आयोजन हुआ था, वो विभिन्न जनपद का जिलाधिकारी, मंडलायुक्त और उच्च अधिकारी लोग, APC और प्रमुख सचिव साहब, अपर मुख्य सचिव, सभी लोग जुड़े थे। वैसे आप जानते हैं तो खरीफ का मौसम तो प्रारंभ हो गया है, उस पर किसान, विभिन्न किसान ने भी अपने सहयोग दिए हैं, अपने सुझाव दिए थे। उन लोगों का जो लोकल में कठिनाई होती है, वैसे गोरखपुर में बाढ़ की कठिनाई होती है और कुछ जगह जो उर्वरक का कठिनाई थी, कुछ जगह बीज की कठिनाई थी, वो सारे हम लोग शासन के सामने रखे थे। हम लोग का लक्ष्य पिछले साल लक्ष्य से 4% ज़्यादा बढ़ के मिली है इसी साल, और उम्मीद है इस बार तो कितने लक्ष्य उसको पूरा करेंगे और किसान भाई का जो कितने लाभ मिल सकते हैं उतने शासन के माध्यम से दिलवा सकते हैं।